हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीत गार्डन। आज मैं आपके साथ वेस्टेज प्लास्टिक बोतल से प्लांटर्स बनाना बताऊंगी। इसका आपसे वीडियो शेयर करूंगी कि प्लास्टिक वेस्टेज हमारे घर में प्लास्टिक बोतल्स और कंटेनर्स होते हैं, उनसे हम कैसे प्लांटर्स बनाएं। आज मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। ये मैंने प्लास्टिक बोतल और प्लास्टिक डिब्बों से, कंटेनर से, इनसे मैंने ये प्लांटर्स बनाए। देखिए आप, ये मैंने एक डॉल बनाई है प्लास्टिक बोतल से। देखिए आप, ये आउल बनाया है, ये भेड़ बनाई है, ये डियर बनाया है। अब मैं आज आपको आउल पेंटर प्लांटर बताऊंगी कि कैसे बनाएंगे। ये मैंने एक कंटेनर लिया है जो मेरे घर में वेस्टेज, किचन का वेस्टेज है, इसका मैं आपको आउल प्लांटर बना के बताऊंगी। इसमें मैंने मार्किंग कर रखी है, ये देखिए आउल की मार्किंग करके अब मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसके लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आपको बताती हूँ। ये एम सील है, ये कलर्स हैं, एक्रेलिक कलर आते हैं वो है, और ये ट्रैक्टर का एशियन पेंट्स का कलर है, ये ब्रश है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आउल प्लांटर हम कैसे बनाते हैं। ये एम सील है, हम दोनों को काट के इनके दोनों को मिला लेंगे। इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे हाफ हाफ लेके। अब हम इसको हम मैश करेंगे, इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स अच्छी तरह करें इसको। ये मार्केट में आपको आराम से एमसील के पैकेट्स मिल जाएंगे। अब आप आउल की आंखें बनाइए। ये हमने गोल सा ये बना के इसको अच्छी तरह दबा के आप दोनों आके इक्वल सी कर दें और आप इसको अच्छी तरह दबा के चिपका देंगे।
अब इसको आप दोबारा और मिलाइए। ये थोड़ा मिलाने में इसको टाइम लगता है, आप इसको लेकिन मिक्स अच्छी तरह करिए ताकि ये कभी निकले नहीं। आप इसको नाक की शेप दीजिए। ये हमने इसको नाक की शेप दे दी। थोड़ा और लेंगे। मिक्स करेंगे इसको। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दें।
कि थोड़ी सी आप से आप इसमें ये डिजाइन्स बना दें। और आप इसमें छोटे छोटे ऐसे लेके इसमें चिपका दें ऐसे। एक बार थोड़ा इसको चिपकाने में है, लेकिन फिर चिपके बाद ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएंगे। बस ये रेडी है आपका। थोड़ा इनको दबा देंगे ऐसे। चाहे तो आप इसको पूरा भर सकते हैं और चाहे ऐसे छोड़ सकते हैं। यह तैयार है। अब इसमें
कलर हम करेंगे। मैं इसमें आपको येलो कलर करके दिखाती हूँ। ये येलो कलर है। आप कुछ भी और भी कुछ भी बना सकते हैं। बहुत से प्लांटर्स होते हैं जो आप अपने हिसाब से अपने एमसील से कोई भी प्लास्टिक बोतल हो चाहे कोई डिब्बा हो अब इसको पूरा कलर ऐसे कर दें। आप और कोई भी कलर कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये हमारा कलर हो गया। आपकी इच्छा हो जो आप कलर कर सकते हैं। आईज में हम रेड कलर करेंगे। वैसे तो इसके पहले आप वाइट कलर करें तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रही हूँ रेड कलर। यहाँ भी आप रेड कर दीजिए।
अब मैं इस पे नोज पे वाइट कलर कर दूँ। आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं अपनी इच्छा से, अपनी पसंद के अनुसार। अभी मैं थोड़ा इनको जल्दी जल्दी कर रही हूँ, इसलिए आप आराम से फिनिशिंग से करें। अब ये जीरो ब्रश से आप इनके छोटे छोटे बीच में जो गोला है इसको आप वाइट कर दें। और ये बीच में इनके पॉइंट कर दें। ऐसे पॉइंट कर दे वाइट। अब ब्लैक कलर की ये लाइनिंग बना दें आप। और बीच में एक पॉइंट कर दें आप। वो आपकी इच्छा से आप कैसे भी इसकी डिजाइन्स बना सकते हैं। अब ये देखिए आपकी आउल बन के तैयार है। आप इसमें प्लांट्स लगाएं और बहुत सुंदर प्लांटर लगेगा। ऐसे मैंने ऐसे ही सभी प्लांट्स तैयार किए हैं, जैसे ये अन्नी भी है। ये देखिए आप,
ये बहुत खूबसूरत लगते हैं ये प्लांटर, और आप इनको आराम से प्लांट्स लगाएं और घर को खूबसूरत बनाएं। ये देखिए, और भी आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी पसंद के अनुसार। अब आपको ये मेरा प्लांटर कैसा लगा? आप और भी कई तरह के प्लांटर से, प्लास्टिक बोतल या कंटेनर से बना सकते हैं। आपको अगर ये प्लांटर अच्छा लगे तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये प्लांटर कैसा लगा। और जो नए हैं वो मेरे प्लांटर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके, बाय।